वीडियो को एक बार लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुंचे। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। और आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो अनिवार्य अवयव बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके लिए याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर यहाँ पर होगा। देखिए भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है, मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ईंधन का काम करता है यह बताना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर। सभी लोग आंसर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर। सौरभ जी, टीना जी और मनोज जी, अशोक जी, रंजना जी, पुष्पलता जी, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल। तो क्वेश्चन नंबर दो है आपके यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही, सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट। याद रखना है विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर क्या होगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का या अंडे के छिलके का या सेल्यूलोज का या स्टार्च का। तो क्वेश्चन नंबर तीन है, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएं यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, स्टार्च आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी इन्होंने जिन्होंने भी बताया यहाँ पर डी उनका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही प्रियंक जोशी जी, यहाँ पर विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी याद रखना है आपके लिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर आप भी एमपीपीएससी, एमपी जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी व्यापम से संबंधित जो भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और आप जो है यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। प्ले स्टोर से भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि क्या फायदे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, फिर इसके बाद आपके लिए इसको लॉगिन करना है। आपके लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं कि किस विषय की आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर देखिए क्या है, फ्री लाइव क्लास है, फ्री डेमो क्लास है। जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइव और फ्री डेमो क्लास आपके लिए उपलब्ध है। और आपका जो भी यहाँ पर डाउट होगा उसका यहाँ पर डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए फ्री लाइव टेस्ट, यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट भी है। और यहाँ पर आपके लिए नोट्स भी बहुत सारे उपलब्ध हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और आप फ्री लाइव टेस्ट भी है यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं फ्री में, वो भी यहाँ पर। सबसे यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर डाउट होगा तो आप यहाँ पर कमेंट करके टॉप एजुकेटर के माध्यम से, सर इन सर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपके लिए जरूर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लाइव चैट में भी, लाइव के माध्यम से भी, जब लाइव क्लास हो रही है तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं सर लोग से क्वेश्चन कि इसमें हमें डाउट है। और टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपके लिए यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा
यहाँ पर पीडीएफ, वो भी फ्री पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब से आपके लिए यहाँ पर फिर आगे चल के आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी आप टेस्ट यहाँ पर करते हैं तो उसका आपके लिए यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड बताया जाता है कि आपके यहाँ पर इतने नंबर आए हैं आपके टेस्ट में और इतने नंबर हैं, और आपकी परफॉर्मेंस बताई जाती है कि, और यहाँ पर आपके लिए टॉप एजुकेटर के माध्यम से पेपर का एनालिसिस आपके लिए बताया जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि MPPSC, MPSI, MP जेल प्रहरी, MP पुलिस, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। जो भी व्यापम से संबंधित आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी फ्री है आपके लिए यहाँ पर। तो आज ही आप जो ऐप है अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर देखिए फ्री क्लास और प्लस क्लास, इसमें हम अंतर बता देते हैं आपके लिए कि फ्री क्लास है जो, और प्लस क्लास यानी कि जो पेड क्लास है, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए लिमिटेड सिलेबस इसमें कवर किया जाता है फ्री क्लास में, और आपके लिए लिमिटेड यहाँ पर टेस्ट हैं, लिमिटेड आपके लिए पीडीएफ नोट्स हैं, और लिमिटेड यहाँ पर डाउट सॉल्यूशन है, किसमें, फ्री क्लास में। लेकिन आपके लिए जो प्लस क्लास है इसमें आपके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए पेड क्लास में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, बिल्कुल कंप्लीट आपके लिए, और अनलिमिटेड यहाँ पर आपके लिए टेस्ट हैं, और अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं आपके लिए, और ऑल डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं वो भी टॉप एजुकेटर के माध्यम से। तो यह अंतर आपका है फ्री क्लास में और प्लस क्लास में। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शहद का प्रमुख घटक है तो क्या है, यह बताना है। रोशनी जी, मनोज जी, पवन जी, संध्या सेन जी, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएं। नरेंद्र जी, क्या होगा इसका सही आंसर, शहद का प्रमुख घटक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी डी बताया है यहाँ पर उनका राइट आंसर है डी, याद रखना है आपके लिए, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी डी बताया है उनका सही आंसर है फ्रक्टोज, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा फ्रक्टोज, विकल्प नंबर डी याद रखना है। और देखिए शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और गेहूं की रोटी में ग्लूटेन होता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोज जी, नरेंद्र जी, सभी लोग आंसर बताएं जल्दी जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। 4 विकल्प है आपके सामने, सभी लोग आंसर बताते जाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, आपका सही आंसर यहाँ पर होगा क्या है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी डी, तनुजा जी, जिन्होंने भी डी बताया उनका राइट आंसर है ग्लूकोज, ग्लूकोज आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग यहाँ पर डी आंसर बता रहे हैं। देखिए ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, यह एक मोनोसैकेराइड है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन, तो 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग यहां पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या होगा इसका राइट आंसर, SM तिवारी जी, संध्या जी, विनय सेन जी, प्रियंक जोशी जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का कि शहद में मुख्यतः होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के, क्या शहद में मुख्यतः होते हैं, तो विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा बी, बी याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही, पुष्पलता गौतम जी, विकल्प नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। देखिए मधु
या शहद एक मीठा चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा पौध के पुष्पों में स्थित, जो आपके लिए याद रखना है, यह एक मधु जो है शहद एक मीठा चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। तो क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग आंसर बताएं जल्दी जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर जो राइट आंसर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बता रहे हैं वह ए बता रहे हैं, और ए आपके यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट याद रखना है, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव स्वास्थ्य के लिए बाह्य भोजन लाभदायक है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, सुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजेन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सभी लोग पीडीएफ से, अब जो पीडीएफ है इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर संदेश जी, कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है ग्लाइकोजन, आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर है, ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का एक बहुउद्देशीय पोषिल साइक्राइड है जो मनुष्य, जानवर, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोशनी जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? मनोज जी, ज्योति जी, जुगल पटेल जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट याद रखना है, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यह आपके लिए पता ही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? सौरभ जी, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी या पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपचय या लैक्टिक एसिड का संचय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह होगा, क्या है? विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया, बहुत सारे लोग यहाँ पर डी बता रहे हैं, डी इनका राइट आंसर होगा, जिन्होंने भी डी बताया है, लैक्टिक एसिड का संचय, याद रखना है विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चार विकल्प हैं आपके सामने, HG में या HG में, MM में या MG के प्रति डेसी लीटर में, भाग प्रति मिलियन में या ग्राम प्रति लीटर में। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर सभी लोग बताएंगे, मनोज जी, बबली जी, जुगल जी, क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11। और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वह आपका विकल्प नंबर बी, याद रखना है बी, जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है रीना जी, बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, एमजी के प्रति डेसीलीटर में, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 10, 15, 20, 25। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20, 25। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही, सी जिन्होंने बताया है, विनय सेन जी, नितिन चौहान जी, सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, 20, 20, याद रखना है 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, इन 20 अमीनो एसिड में से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है और 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर आईपीएस ज्योति जी, क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते जाएं क्या है इसका राइट आंसर, कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह होगा क्या है, विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रोटीन। प्रोटीन आपके यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, आपके लिए याद रखना है प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, विकास की अवस्था में शरीर में कई प्रकार के जो हैं परिवर्तन होते हैं, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? बताइए क्या माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, या ऊर्जा उत्पादक, या विनियामक, या स्थूलावर्धक? तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। सभी लोग बताएंगे क्या है, महिपाल जी इसका राइट आंसर, कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही, जिन्होंने भी एक बताया है उनका राइट आंसर है शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला विकल्प नंबर एक आपको याद रखना है यहाँ पर। देखिए प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर हेमंत यादव जी, तो क्या है इसका राइट आंसर? प्रसून जी बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या एमिनो अम्ल? तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प दिए हैं, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका क्या है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, प्रोटीन। प्रोटीन याद रखना है, बिल्कुल सही, प्रोटीन आपके यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है, हाँ, प्रोटीन आपके लिए याद रखना है प्रोटीन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। देखिए एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? हेमंत यादव जी सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16।
कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है जीवाणु डीएनए या एंजाइम या प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पर जो राइट आंसर है यहाँ पर वह होगा विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी सी बताया है उनका राइट आंसर है एंजाइम। एंजाइम आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर सी, एंजाइम। अगला क्वेश्चन है अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, या ऊन में उपस्थित है, या अंडों में उपस्थित है। तो इस प्रकार आपके सामने चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर संध्या जी, प्रियंक जोशी जी, मनोज जी, एस एम तिवारी जी, क्या है इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का अल्फा कीरेटिन एक जो है प्रोटीन है जो किस में उपस्थित है, तो यह उपस्थित है आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, त्वचा में उपस्थित है विकल्प नंबर बी। जिन्होंने नहीं बताया उनका राइट आंसर बिल्कुल सही, पुष्पलता गौतम जी, बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, क्या है त्वचा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत है तो कितना है, 40%, 50%, 60% या 80%। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। चार विकल्प हैं आपके सामने, तो इसका राइट आंसर क्या है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर क्या है, एक। बिल्कुल सही, एक जिन्होंने नहीं बताया है उनका राइट आंसर 40%, 40% याद रखना है विकल्प नंबर एक, एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सोयाबीन जो एक फसल है यह दलहन के बजाय तिलहन की एक फसल मानी जाती है, सोयाबीन दलहन की फसल है और शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसमें जो है क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है, इसका वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग यहां पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सही, अब 19 का सभी लोग आंसर बताएं किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस दूध चावल दाल, चार विकल्प है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिपाल जी, एस एम तिवारी जी, प्रियंका जी, तो विष्णु जी, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। जयंती जी, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए, प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है, चार विकल्प हैं आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर है कि प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है वह है आपका विकल्प नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिसने भी सी बताया है उनका राइट आंसर है चावल, जो चावल है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, याद रखना है चावल, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जिन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है पाया जाता है, तो बताइए उड़द चना मटर सोयाबीन, तो चार विकल्प हैं और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, तो गौरव जी इसका क्या है राइट आंसर, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, और इसका जो राइट आंसर होगा कि प्रोटीन का जो सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है वह पाया जाता है किसमें, वह पाया जाता है सोयाबीन, विकल्प नंबर डी याद रखना है सोयाबीन, बिल्कुल सही, डी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है, ज्यादातर लोग डी बता रहे, विकल्प नंबर डी याद रखना है सोयाबीन। देखिए जो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है कितना, 40, लगभग 40%। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं तो किससे पाते हैं, अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से, चार विकल्प हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या होगा इसका राइट आंसर कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं तो किससे पाते हैं सबसे अधिक प्रोटीन, चार विकल्प हैं, अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से, और हाँ
तो अरविंद जी लाइव चल रही है क्लास, और इसका जो राइट आंसर होगा कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो बी आपको यहाँ पर याद रखना है, दालों से। दालों से आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा कि शाकाहारी अधिकतम जो प्रोटीन पाते हैं यह पाते हैं दालों से, याद रखना है। देखिए शाकाहारी स्रोतों में चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का प्रमुख हैं, यह आपके लिए याद रखना है। और मांस, मछली, अंडा, दूध यकृत प्रोटीन के अच्छे जो है मांसाहारी स्रोत है, यह मांसाहारी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, सर्व प्रमुख स्रोत बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या इसका राइट आंसर, काला चना, बंगाल चना, मटर, सोयाबीन की प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है क्या है, वह है विकल्प नंबर डी, याद रखना है सोयाबीन। सोयाबीन आपको यहाँ पर याद रखना है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है तो कहाँ पर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, क्या है इसका राइट आंसर। तो मानव शरीर में वसा जमा होता है तो कहाँ पर, बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, या फिर थीलियम में। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वह है क्या है आपका, 23 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही बी, जिन्होंने भी बताया है अभिषेक सोनी जी, बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है कि वसा ऊतक में, वसा ऊतक याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, तो किसके विरुद्ध अवरोधक का जो है काम करती है। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकर सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, या आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है विकल्प नंबर बी, याद रखना है बी, जिन्होंने भी बताया शरीर की ऊष्मा का क्षय, विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्यों कर पाता है ऐसा। चार विकल्प हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। पुष्पलता गौतम जी, पवन जी, क्या इसका राइट आंसर कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, अपने कूबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, यह आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर बी, जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है नितिन चौहान जी, बी आपके यहाँ पर सही आंसर है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, ऐसा वह कर पाता है कि अपने कूबड़ में जमा किए जो है चिकनाई का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, और हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का वह है बसा, बसा आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का, क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया,
चार विकल्प हैं आपके सामने, मेंडल, पाश्चर, फंग या लेनिक। तो इस प्रकार सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग यहाँ पर सी आंसर बता रहे हैं। सुमित तिवारी जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, फंक। फंक जिन्होंने भी विकल्प नंबर सी बताया है उनका राइट आंसर है, याद रखना है फंक। देखिए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी जो है फंक द्वारा कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया है, जैसे ए बी सी डी ई के आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, यहाँ पर नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो किससे नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर बताएंगे और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, विटामिन। विटामिन आपको याद रखना है, विकल्प नंबर डी यहां पर याद रखना है। देखिए विटामिन जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 को जो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 सौरभ जी, कांति जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी लोग यहां पर राइट आंसर बताएंगे। अभिषेक सोनी जी, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या वसा को। चार विकल्प हैं आपके सामने और क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है वह कहा जाता है किसको? विटामिन को। विटामिन याद रखना है विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर राइट आंसर है विटामिन। विटामिन देखिए विटामिन भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के समान भोजन का मुख्य तत्व है। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करता है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत बताना है। आखिरी क्वेश्चन है, गाजर, बैगन, नींबू या चावल? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो क्या है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत? हाँ, और इसका जो राइट आंसर है गाजर। गाजर बिल्कुल सही सुमित जी, गाजर आपका राइट आंसर है। जिन्होंने भी ए बताया है उनका राइट आंसर है गाजर। गाजर याद रखना है, विटामिन ए में अंडे, मांस, दूध, पनीर, क्रीम, मछली आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, आप आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लें। अनअकैडमी ऐप बहुत ही आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आप खरीदते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक देखिए वर्चुअस नामक एक पत्रिका है जिसमें आपको फ्री में मिलती है प्लस क्लास में। इसके माध्यम से आप समसामयिक की पत्रिका के माध्यम से करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, यहाँ से आप पूरा करंट अफेयर। और इसके माध्यम से देखिए यहाँ पर बहुत सारे बैच कोर्स अभी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं MPSI, MP पुलिस और MPPSC व्यापम से संबंधित सभी यहाँ पर बैच चालू हैं। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं MPSI बैच कोर्स जो है 3 नवंबर से है चालू चल रहा है अभी है, और MPSI जो फाउंडेशन बैच भी है 4 नवंबर से। यहाँ पर बहुत सारे बैच कोर्स हैं। फिर इसके बाद हम आपके लिए यहाँ पर बता दें कि एडमिशन फीस जो है आपके लिए, इसमें हम एक कोड बताएंगे, अगर आप खरीदेंगे तो आपके लिए यहाँ पर 10% ऑफ में मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपके लिए हम बता दें कि यहाँ पर देखिए अगर आप जो एडमिशन फीस है
यहाँ पर देखिए, एक महीने की यहाँ पर जो फीस दी गई है वह 1600 रुपये दी गई है। कितनी? 1600 रुपये। अगर आप सुमित जैन, जो आपके लिए रेफरल कोड दिख रहा होगा सुमित जैन, अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर 10% ऑफ में टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। तो यानी कि 1600 रुपये में आप 10% आपके लिए ऑफ में मिलेगा, तो 1440 रुपये की आपके लिए सीरीज मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए, 3 महीने का है यहाँ पर कोर्स, 4000 रुपये का। अगर आप सुमित जैन रेफरल कोड यूज करते हैं तो 3600 रुपये का आपके लिए कोर्स मिलेगा, 10% ऑफ में है। और 6 महीने का है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7200 रुपये का है। अगर आप सुमित जैन जो कोड है इसको यूज करेंगे तो यह आपका है 6480 रुपये का। और यहाँ पर देखिए, 12 मंथ का है आपका, 12 महीने का आपका 8800 रुपये का। और ये कूपन कूपन जो कोड है, इसको कोड है इसको यूज करेंगे तो 7920 रुपये का है। और यहाँ पर देखिए, 24 महीने का है यहाँ पर कोर्स, 12800 रुपये का। लेकिन अगर आप सुमित जैन जो रेफरल कोड है इसको यूज करेंगे, 10% ऑफ में पाएंगे और 11520 रुपये में आपके लिए कोर्स मिल जाएगा 24 महीने का। मगर आपके लिए यहाँ पर याद रखना है क्या है, सुमित जैन जो कोड है, रेफरल कोड है, इसको यूज करना है, तभी आपके लिए यहाँ पर 10% ऑफ में सीरीज या कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। तो आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो के, तो यहां से आप डाउनलोड कर लें। बहुत सारे आपके लिए यहां पर फायदे हैं।